उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ओवैसी की रणनीति से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की आशंका है। ओवैसी की पार्टी मुरादाबाद की सीट भी मांग रही है। इस पर मुरादाबाद से मौजूदा सांसद और इस बार भी टिकट के दावेदार माने जा रहे एसटी हसन ने क्या कहा, आइए देखें। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की तैयारी में जुटे ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के सामने नया दांव चलाया है। गठबंधन के लिए ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी से यूपी के मुरादाबाद समेत 7 सीट मांग रही है। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि अखिलेश जी ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल करने से इनकार नहीं किया है। अब देखिए, उनकी मर्जी है, वो सीट कोई सी मांग ले, उनकी भी एक पार्टी है और चुनाव वो भी लड़ते हैं। अखिलेश जी ने कभी मना करा नहीं, वही करेगी। अगर हमें 5 सीट 7 सीटें नहीं देंगे तो हम 20 पे लड़ेंगे। तो जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं मुस्लिम वोट काटने के, आप किस नजर से देखते हैं? आपके सवाल में ही जवाब है, 5 सीट नहीं देंगे तो 20 लड़ेंगे, यानी 20 हराएंगे। अखिलेश यादव यूपी के छोटे छोटे दलों को साथ आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव सोच समझकर ही फैसला लेना चाहते हैं।